कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार के उदासीन रवैया के चलते अब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते किसान संगठनों द्वारा आए दिन अलग अलग तरीकों से सरकार का विरोध जताया जा रहा है। जहां बुधवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान बिलों की प्रतियों में आग लगाकर विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आगामी 16 जनवरी को जिले की हर गांव हर कस्बे से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर रैली करते हुए जिला मुख्यालय पर जुटने का आह्वान किया। आपको बता दें कि नारेबाजी करते हुए शहर के गुरुद्वारे तेराहे पर कृषि बिलों के विरोध में सरकार के खिलाफ दर्जनों किसान पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि बिलों की प्रतियों को आग के हवाले किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 23 जनवरी से बाकी सभी राज्यों के गवर्नर हाउसों पर आंदोलन करेगी। कुलदीप प्रतिलिपिया फूकी है यहाँ पर किसानों ने, क्या मामला है? आपको जैसा जानकारी है कि सारे देश का किसान 50 दिन से, जो आज 50वां दिन हो गया, दिल्ली के चारों तरफ जो केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए जिन्हें हमने काले कानून की संज्ञा दी, उनकी पूरे देश में किसानों ने सभी जिला मुख्यालय पर उनकी प्रतियां जलाई। हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कराया, आज उनकी प्रतियां जलाई गई। आगे की रणनीति क्या है, जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च निकलेगा? शामली में चारों तरफ से हजारों ट्रैक्टरों के द्वारा किसान अपना प्रदर्शन करेंगे। करनाल पुल से शुरू होगा, पानीपत पुल से शुरू होगा, थाना भवन की साइड से शुरू होगा। चारों तरफ से किसान हजारों ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे और 26 जनवरी का रिहर्सल होगा। फिर किसान 16 तारीख के बाद दिल्ली जाना शुरू हो जाकर, जो वहाँ हमारा 40 लोगों का जो केंद्रीय किसान संघर्ष समिति है, जो उसका आदेश होगा उसके पालन किया जाए। अच्छा, कब तक जारी रहेंगे ये विरोध? जब तक 3 कानून वापस नहीं लिए जाते, जब तक आंदोलन देश में जारी रहेगा। और अब हमने ये भी कर दिया कि 23 तारीख से सभी स्टेट में गवर्नर हाउसों पे किसान आंदोलन करेंगे। आज राकेश टिकैत जी इसी मुहिम के तहत बम्बई में है। अब आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं ले जाते।